निवासी है शाहपुरा पुलिस उप अधीक्षक सुरेंद्र कृष्णिया ने बताया कि 21 अक्टूबर को विराटनगर निवासी रामनिवास गुर्जर ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके नाम से ट्रेलर रजिस्टर्ड है। उसने फाइनेंस के बकाया विवाद को लेकर सेटलमेंट होने तक ट्रेलर को अलवर तिराहे के पास स्थित देवनारायण ढाबे पर एक माह पूर्व खड़ा किया था। 21 अक्टूबर को उसने ट्रॉली संभाली तो ट्रॉली गायब मिली। इस संबंध में मामला दर्ज होने के बाद शाहपुरा थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी अतर सिंह, सहायक उप निरीक्षक राजवीर सिंह, कांस्टेबल नरेश हरलाल की टीम गठित की गई। टीम ने मामले की जांच करते हुए देवन निवासी सुनीलाल व विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से चुराई गई ट्रॉली के पार्ट्स बरामद किए, साथ ही ट्रॉली को काटने वाले आरोपी की भी तलाश की जा रही थी। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि उक्त अपराधी ट्रेलर की ट्रॉली को चुराकर और ट्रॉली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कबाड़ी को सस्ते दामों में बेच देते हैं।